सो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑफ सर्वाइवल सीरीज़ और ये एपिसोड नंबर 19 है। तो गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो शुरू होने से पहले लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर से करना और एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर देना और हो सके तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करना। तो चलो आज के हम वीडियो में बनाने वाला है बीकन। और बीकन में लास्ट वीडियो स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि हम बीकन बनेंगे, तो चलो बीकन अब बनाते हैं इस वीडियो में। और बीकन बनाने के लिए हमको बहुत सारा सामान चाहिए, जैसे कि विदर स्केलेटन स्कल और सोल सैंड और कुछ आयरन गोलम को स्पॉन करने के लिए सामान जो लगता है वो। तो ये बहुत सारा सामान नहीं, पर या इनको मतलब लाने में बहुत टाइम लगेगा। तो चलो एक बार सो जाते हैं और चलो अभी गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी अपना इस तरह से इसका डे 1 चल रहा है और यहाँ का ब्लॉक पता नहीं कहाँ पर गया। एक काम करता हूँ, मैं ब्लॉक लगाता हूँ वहाँ पर और लैडर लगाता हूँ। तो भाई मेरे पास ब्रिक्स नहीं है, भाई मेरे पास इतना सारा स्टोन है पर ब्रिक नहीं है। एक काम करता हूँ, यहाँ पर लैडर भी पड़े, तो लैडर की ज़रा कुछ टेंशन तो नहीं है। चलो अपना एक काम तो हो गया और अभी यहाँ पर हम ब्रिक बनाते हैं। भाई वीडियो की शुरुआत हो गई गाइस, वीडियो की शुरुआत हो गई। ये मेरी हर बार की मतलब शुरुआत होती है वीडियोस की, ऐसी होती है गाइस। चलो भाई मैं यहाँ पर पूरा मतलब इसको लगा देता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ मैं थोड़ी देर बाद। तो चलो गाइस अब लास्ट ब्लॉक बचा है, इसको रखते हैं अभी और सारा सामान चेस्ट के अंदर रख देते हैं। एक मिनट, एक बचा था। अरे क्या हुआ, अरे भाई इस बार तो कुछ अलग ही होगा। फिर ऊपर ने चेस्ट तोड़ दी, भाई सारा सामान नीचे गिरा दिया। गाइस अभी फिर से थोड़ा सा रुको, मैं अभी पूरा सामान को मतलब पूरा उसको फिल करता हूँ चेस्ट के अंदर और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, सिर्फ 2 मिनट बाद मिलते हैं। चलो तो चलो गाइस सारे ब्लॉक वगैरह तो लग चुके हैं और ये कुछ इनको स्ट्रिप करना था। भाई मेरे पास ऑक वुड ही नहीं था, भाई मैं घर के बाहर से मतलब बाहर एक प्लेस था, वहाँ से एक ट्री कट करके लाया और फिर वहाँ पर लगाया मैंने। चलो अभी रात हो चुकी है और चलो सो जाते हैं एक बार। अभी भाई सामने रखने में एक दिन पूरा चला गया। चलो गाइस मैं आपको डायरेक्टली मिलता हूँ। अभी हमको जाना है, सबसे पहले तो हमको चाहिए सोल सैंड। सोल सैंड आपको पता है भाई विदर स्पॉन करने के लिए सोल सैंड इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। तो मैं आपको डायरेक्टली मिलता हूँ अभी सोल सैंड वाली बायो में, उसका नाम तो मुझे पता नहीं पर मैं आपको वहीं पर मिलूँगा। वो रास्ता बहुत ज़्यादा दूर है, ऑलमोस्ट 500 ब्लॉक्स दूर है। तो चलो गाइस मैं आपको तभी मिलता हूँ। ओके गाइस तो भी मैं आ चुका सोल सैंड बायो में और मैंने यहाँ से ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली बहुत आपको मैं एक मिनट छोड़ दिखा दूँ। देखो ऑलमोस्ट 4 स्टैक ब्लॉक्स तो हमने कलेक्ट कर लिए हैं और इसमें सोल सैंड और सोल सॉइल होता है, पता नहीं उन दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट होता है विदर स्पॉन करने के लिए। चलो बस हमने विदर से स्पॉन कर लेंगे, मैंने दोनों लिए। तो चलो अभी चलते घर पे और अभी हमको यहाँ से जाना भी है। भाई बहुत ज़्यादा दूर है, भाई रास्ता 500 ब्लॉक दूर है गाइस। और भाई आपको पता है भाई नेदर में 500 ब्लॉक ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, भाई हर जगह पर लावा होता है यार। तो उस बात को छोड़ते साइड में, तो अभी मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्टली फोर्ट्रेस में, क्योंकि फोर्ट्रेस यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है अभी, क्योंकि हमको अभी 700 ब्लॉक्स ट्रैवल करना पड़ेगा। फिर आएगा 300 फोर्ट्रेस, मुझे पता नहीं एक्जैक्टली कोऑर्डिनेट्स क्या उसके। चलो यार मैं आपको डायरेक्टली मिलता हूँ अभी फोर्ट्रेस के अंदर ही। ओके तो मैं फोर्ट्रेस के अंदर तो आ चुका हूँ, मतलब फोर्ट्रेस के अंदर ही बाहर खड़ा हूँ और मैंने कुछ एंडरमैन को मार के एंडरपल भी ले लिए थे बहुत सारे। ये आपको दिख रहा है 15 पर 15 नहीं मतलब इन्वेंट्री के अंदर, और 2 पड़े हैं, सिर्फ 2 ही पड़े यार, ज़्यादा नहीं। चलो चलते अभी यहाँ से ऊपर। और एक बात गाइस, अभी मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता, मैं आपको डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ जो विदर स्केलेटन के स्कल मुझे जो मिले थे मैं आपको सिर्फ वही क्लिप दिखाऊंगा, क्योंकि भाई मैं यहाँ पर इतना सारा, भाई आपको पता है विदर स्केलेटन के स्कल लेने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप माइनक्राफ्ट सर्वाइवल मतलब खेलते हो तो आपको पता होगा भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और चलो गाइस आपको मैं अभी डायरेक्टली मिलता हूँ विदर स्केलेटन के स्कल से, मैं आता हूँ आपके डायरेक्ट अभी। चलो So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. 'Cause I know you got me up. Let me show you what's up. 'Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement. Okay तो गाइस मैं अभी आ चुका फोर्ट्रेस से अपने ओवरऑल्ड में और यहाँ पर भी रखते अपने 5 विदर स्केलेटन स्कल, मतलब स्कर्ट बोल रहा स्कल। भाई मुझे 5 विदर स्केलेटन स्कल मिल गए। भाई अगर मुझे एक भी मिलता तो हम ट्राई कर दें कि 2 विदर को मारे भाई। और चलो भाई मैं तो भाई रेडी नहीं था 2 विदर को मारने के लिए, पर भी चलो हम एक को ही मारेंगे और बाकी का बचा हुआ एक स्कल हम तो फिर कभी यूज़ कर लेंगे यार। चलो अभी हमको एक काम करना है, पम्पकिन्स भी हमको क्राफ्ट करने, मतलब क्राफ्ट तो नहीं हो सकते, हमको पम्पकिन को भी ग्रो करना है। तो एक काम करता हूँ गाइस, मैं पम्पकिन को कार्ड पम्पकिन में बना के आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। ओके गाइस, तो मैंने सारे पम्पकिन वगैरह को ले लिया और 16 आयरन ब्लॉक, मतलब 16 ब्लॉक ऑफ आयरन मेरे पास, और मैं भी जा रहा हूँ आयरन फॉर्म के ऊपर एफ3 करने के लिए, क्योंकि भाई हमको बीकन बनाने तो आयरन लगेगा उसके लिए भी, और तो और भाई हमको आयरन गोलम को स्पॉन करने के लिए भी आयरन लगेगा। अब पता नहीं हम कितने आयरन गोलम स्पॉन करेंगे, तो उस वजह से मुझे एक दो स्टैक तो ब्लॉक ऑफ लेना चाहिए, मतलब एक दो स्टैक ब्लॉक तो लेना चाहिए। भाई मेरी बहुत ज़्यादा फट रही भाई विदर से, उसलिए मैं ज़्यादा आयरन गोलम स्पॉन करने का ट्राई करूँगा। चलो गाइस अभी एक काम करता हूँ, मैं भी घर पे चले जा रहा हूँ क्योंकि कुछ सामान भूल चुका मैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको मिलता हूँ एफ ए करने के बाद आयरन फॉर्म के ऊपर। ओके गाइस, तो मैंने अभी एफ ए तो कर लिया है और यहाँ पर मेरा कचरा फेंक रहा था जो भी मेरे पास था। चलो अभी नीचे चलते, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आयरन कलेक्ट हुआ भाई, बहुत ज़्यादा। ये मैंने इतना आयरन एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना हमको मिलेगा, तो चलो अच्छा है इतना तो मिल गया ना। तो गाइस अभी एक काम करते हैं, मैं इनको ब्लॉक में कन्वर्ट करता हूँ और मैं थोड़ी देर मिलता हूँ। मतलब हमको अभी वो भी करना है ना, एक काम, एक बड़ी टनल बना के वहाँ पर विदर स्पॉन का एरिया बनाना है। तो चलो सॉरी गाइस, मैं उतना एरिया मतलब पूरा मतलब वहाँ से थोड़ा क्लीन करने नहीं गया था, मैं सिर्फ यहाँ पर आ गया घर पर। कुछ हमको गोल्डन एप्पल चाहिए थे ना, उस वजह से आ गए। और अभी यहाँ पर हमको गोल्डन एप्पल बनाना है, तो उसके लिए हमको थोड़ा गोल्ड इंगट बनाना पड़ेगा यहाँ पर। चलो हमने 15 एप्पल कलेक्ट कर लाए भाई, मेरे पास एक ही एप्पल था और 14 एप्पल मैंने कुछ ट्री को लाया भाई, सारे लीव्स वगैरह उखाड़ के मेरे पास हो था ना, उसमें हो गई फॉर्चून भी लगी थी, तो उस वजह से थोड़ा इजी पड़ रहा था मुझे एक ट्री से। चलो भी यहाँ पर तो 1 या 2 मिनट रहते भाई एप्पल सारे बन गए, मुझे लगा इतना तो ठीक है। चलो अच्छा है, चलो और अभी गोल्ड को ऊपर रखते हैं। और गाइस मैं आपको डायरेक्टली पक्का आपको मैं डायरेक्टली माइन में मिलता हूँ। अभी मैं फिलहाल माइन में जो बनाएंगे ना, तो हम 2 सेकंड पर सेट करें या फिर कहीं बाहर गाइस। तो चलो गाइस यहाँ पर हम माइन कर रहे हैं, अभी देखते भी हमको भी कितना एरिया मिला। और देखो मुझे माइन करते करते डायमंड्स मिले थे, यहाँ पर 9 डायमंड्स मिले, इनको तोड़ के फॉर्चून से मुझे 15 डायमंड्स मिले थे पूरे कलेक्ट। और अभी चलते हैं हम आगे, और मुझे आगे भी डायमंड्स मिले थे, आपको मैं वो भी दिखाऊंगा यार। भाई बहुत ज़्यादा बुरा हुआ भाई मेरे साथ यार, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, क्योंकि भाई डायमंड मिलने के बाद सबके साथ अच्छा होता है, पर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ क्योंकि भाई लास्ट वीडियो में मुझे इतने दूर दूर से माइन करना पड़ा भाई। और देखो भाई कुछ ही 2-3 ब्लॉक दूर जाने के बाद भी भाई देखो डायमंड से सिर्फ मैं ऑलमोस्ट 6 या 7 ब्लॉक आया, पर यहाँ पर एक ही डायमंड था, ट्राई भी है तो खोलने का पड़ने में मुझे। और चलो भाई मैं आपको डायरेक्ट में तो पूरा एरिया बनाने के बाद फाइनली गाइस, तो मैंने सारा एरिया क्लियर किया, इसको क्लियर करने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, पर उससे मुझे डायमंड मिला था तो उसको नहीं बहुत सारे मैं तो उनको माइन भी किया। और चलो गाइस अभी हमने देखो ये यहाँ पर भी कुछ ब्लॉक लगाते हैं जिससे हम अंदर जा सकें, और हमको इस साइड को हमको अंदर आयरन गोलम को स्पॉन करना, आपको पता लग गया होगा भाई भाई विदर को मारने के लिए ऑब्वियसली बात है, सबको पता हुआ। चलो यहाँ पर मैं कुछ आयरन गोलम को स्पॉन करता हूँ और फिर आपको मैं मिलता हूँ। ओके तो चलो हमने यहाँ पर 7 आयरन गोलम को स्पॉन कर दिया है, और ये बहुत ज़्यादा है। अभी भाई प्लीज़ इन्होंने विदर को मारने में मेरी हेल्प तो करनी चाहिए भाई। चलो अभी यहाँ पर सारे इनको लगा देते हैं, और यहाँ पर एक एक करके चलो लग जाए, अभी लास्ट तो लगा रहे गाइस हम, और भाई मुझे तो डर लग रहा है। चलो लगा देते हैं इसको। ओह भाई साहब भाई विदर स्पॉन हो गया भाई, मुझे तो डर लग रहा है। तो चलो अपनी फाइट को स्टार्ट करते हैं। So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. 'Cause I know you got me up. Let me show you what's up. 'Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement. To make a statement, I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face to make it go. 20 minutes later. Take it back. I lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you shut the fuck up real bad. Poked a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get it. inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. तो गाइस फाइनली हमने विदर को तो मार दिया। अभी मारने में टाइम बहुत ज़्यादा लगा भाई, गेम भी बहुत लैग कर रहा था, पर भाई हमने कुछ भी करके विदर को तो मार दिया। और अभी नेदर स्टार भी आ चुका है अपने पास। पता नहीं भाई विदर को मारने के बाद विदर स्टार नाम को कोई कुछ क्यों नहीं मिलता है, नेदर स्टार क्यों मिलता है यार। चलो यार जाने दो, चलते अभी हमको जाना है अपने घर पे भाई। उससे पहले गाइस यहाँ पर बहुत सारे और वगैरह है, डायमंड वगैरह है, तो सबको लेते हैं। बीच में तो भाई मैं डायमंड कलेक्ट करने लग गया था भाई फाइट के बीच में। चलो यार मैं अभी सारे डायमंड कलेक्ट करता हूँ। मुझे 47 डायमंड मिल चुका अब तक भाई फाइट में ही। तो चलो गाइस यहाँ पर लैग हो रहा है, तो ये जो ब्लॉक्स वगैरह इनको भी मैं लावा में एक बार जला देता हूँ जिससे कि लैग नहीं हुआ। और कुछ और भी कलेक्ट करके लेता हूँ घर पे। चलो यार तो गाइस मैं सारे और वगैरह जो है उनको तोड़ के आ चुका घर पे। और यहाँ पर भी मैं अपना बीकन बना रहा हूँ, सेटअप कर रहा हूँ बीकन का। और मैंने बीकन को क्राफ्ट भी कर लिया है, क्राफ्ट उसमें कुछ ज़्यादा कुछ दिक्कत तो नहीं। पर चलो गाइस अभी मैं यहाँ पर घर के ऊपर बीकन लगा रहा हूँ, छत के ऊपर। और गाइस आप मुझे कॉमेंट में सजेस्ट करो कि हम बीकन कहाँ पर लगाएं, अपने घर के ऊपर अच्छा है या फिर अपने घर के आगे या फिर कहीं पर भी। अगर आप कोई भी सजेस्ट करो तो हम वहाँ पर ज़रूर लगाएंगे बीकन। तो गाइस आज की इस वीडियो का शाउट आउट जाता है राजू गेमिंग और सोमा शर्मा को। तो उन दोनों ने लास्ट की वीडियो में कमेंट किया था, तो उनको शाउट आउट मिल गया। और अगर आपको शाउट आउट चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, तो आपको भी शाउट आउट मिल जाएगा। तो चलो गाइस अभी यहाँ पर पूरा बीकन बना देते हैं, अभी थोड़ा ही बचा है तो उसको भी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। और एक बात गाइस अगर आप चाहते हो कि हम मतलब मेरे पास अभी 2 डायमंड ब्लॉक तो बचेंगे, देखो अभी हाँ तो 2 डायमंड ब्लॉक बच गए। अगर आप चाहते हो हम इनके साथ कुछ करें तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। और यहाँ पर हमारी एमरल्ड वाली लेयर होनी चाहिए थी, पर वो तो मेरे पास नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं उसको ऑफलाइन पूरा ग्राइंड करके वहाँ पर एमरल्ड की लेयर लगा दूँगा। तो चलिए यहाँ से हैश टू का इफेक्ट लेते हैं, क्योंकि भाई मुझे घर के सामने वाले ट्री कट करना है भाई। अगर बात की इफेक्ट पहुँचे तो अच्छा, नहीं तो उनको घर के पीछे प्लान कर दूँगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। तो गाइस अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस आप कमेंट करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड का शेयर भी करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। और गाइस जिसने अब तक वीडियो को देख रहे हो ना तो उनको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ यार लाइक कर दो। और चलो यार मिलते हैं गाइस अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय।